हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नारियल की बर्फी बनाने की विधि बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप घर में आराम से बना सकते हो। यहाँ पर हमने 2 कटोरी नारियल का बूरा ले लिया है, उसके 1/3 भाग मैंने 1 कटोरी शक्कर ले लिया है, 2 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है, 1/2 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप मैंने दूध लिया है, नॉर्मल दूध लेना है तो 1 पैन मैंने ले लिया है। अब पहले हम सारी सामग्री इसमें मिला लेंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको मिलाएंगे। इससे क्या है, हमारा अच्छे से मिश्रण मिल जाएगा और कोई गुठली नहीं पड़ेगी। नहीं तो एक साथ दूध डालने से इसमें गुठली पड़ने की शंका रहती है। 1 कप दूध मैंने पूरा इसी में डाल दिया है। अब इसी स्टेज में हम इसमें शक्कर मिला देंगे और इसको भी डुला देंगे करछुल की हेल्प से। तो ये मिश्रण हमारा एकदम मिल गया है। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब इसको हम डुलाते हुए पकाएंगे। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाएंगे, बाकी का बचा भी डाल देंगे इसी में। तो आप देख सकते हो मिश्रण हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इस समय इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से मिठाई का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, हमको इसी तरह से ऐसे देखना है कि हमारा मिठाई जमने की कंडीशन में आ गया है कि नहीं। तो हम 1 चम्मच के हेल्प से इसको बना रहे हैं गोला, लेकिन ये अच्छे से नहीं बन रहा है। इससे पता चलता है कि अभी ये बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा हमको इसको और पका लेना चाहिए। अब एक थाली को हम ग्रीस कर देते हैं देसी घी से। अब इसी में हम मिश्रण को फैला देंगे। इसी प्रकार से हम पूरे थाली में नहीं डालेंगे, आधे में ही फैलाएंगे, ताकि हमको मोटी बर्फी जम के तैयार हो। तो हम चक्कू के हेल्प से इसको काटने का निशान लगा देते हैं। आपको जिस प्रकार से पसंद हो उस प्रकार का आप शेप दे सकते हैं इसको। तो देखिए, हमारी बर्फी बन के तैयार हो गई है, लेकिन मैं इसका पेड़ा का शेप दूंगी। तो देखिए, मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी। अब हम इसको नारियल के बूरा में कोट कर देंगे। तो देखिए, मैंने कोट कर दिया है मिठाई का, इतना डिजाइन अच्छा बन लग रहा है। इसी प्रकार से हम पूरे पेड़ा तैयार कर लेंगे, दूसरा भी हम तैयार कर रहे हैं। तो हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली परिवार दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।